हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। अब वो समय नहीं रहा कि आप अपना समय व्यर्थ बातों की ओर लगाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक दिन दिखाता है मन फिराने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। और भैया, समय कम है और दिन बुरे हैं। मसीही, अब बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, क्योंकि समय थोड़ा बचा हुआ है। निर्मिया 15 अध्याय के 1 वचन से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, किससे कहा? यिर्मयाह से कहा, यदि मूसा और शमूएल मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। इन लोगों को मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं, और यदि वे तुझसे पूछे कि हम कहाँ निकल जाएं, तो कहना यहोवा यूँ कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, जो बंधुए में होने वाले हैं वे बंधुए में चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, फाड़ कर खाने वाले मैदान के हिंसक जंतु। यहोवा की यह वाणी है। इतना हाहाकार मचेगा मसीह विरोधी के दिन में, लोग अकाल से मारे जाएंगे, तलवार से मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, और परमेश्वर जानवरों के अंदर कैसी बुद्धि बैठा देगा कि वे मनुष्यों को जिंदा ही फाड़ना नोचना शुरू कर देंगे। इतना हाहाकार मचा होगा मसीह विरोधी के दिन में। आज मसीहत सिर्फ नाम की मसीहत रह गई है। आज मसीह कहने को तो कह देते हैं कि मैं तैयार हूँ, मगर इनके दिल और दिमाग में झांक कर देखो, वही सारी गंदगी, सारा कचड़ा भरा पड़ा हुआ है। मगर ऐसे लोगों को आज जरा भी डर नहीं लग रहा है यीशु के कहर से, और ना तो उस अनंत काल की आग से। हे मेरे भाइयों बहनों, आपको मालूम होना है कि इस समय में बहुत सारे लोग भरमाने वाली शिक्षाओं को फैला रहे हैं और लोगों को उद्धार पाने से रोकना चाहते हैं, और ऐसे लोगों का उद्देश्य यह है लाखों करोड़ों आत्माओं को नरक में ले जाना। अभी आपके पास समय है, अपना मन फिरा लो, एक दूसरे को देख देख कर अपना जीवन मत व्यतीत करो, क्योंकि बहुत तड़पाया जाएगा उस 7 वर्ष में, जैसे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन सब विपत्तियों पर अधिकार है, उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। अगर जो यहाँ पर कोई छूट जाएगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। परमेश्वर इस सूरज को एक आग का गोला बना के रख देगा कि मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा झुलस जाएंगी, उनकी चमड़ियाँ जिंदा ही सिकुड़ जाएंगी, और मौत मांगोगे और मौत नहीं आएगी। और फिर उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, तब उसको वही शरीर पहनाया जाएगा, वही शरीर पहना के परमेश्वर उसको नरक में डाल देगा हमेशा हमेशा के लिए। जैसा प्रकाशित वाक्य 6:12 वचन में, ठीक है भैया, वो वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। और जब उसने छठवीं मोहर खोली, किसने खोली? मेमने ने खोली, यीशु मसीह ने खोली। तो मैंने कौन? योन्ना ने देख रहा है दर्शन के द्वारा, क्योंकि सारे प्रकाशित वाक्य योन्ना ने लिखे दर्शन के द्वारा, कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला हो गया और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसा बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक टापू अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों की दरारों में जा छिपे। जब परमेश्वर चौथी मोहर खोलेगा तो पृथ्वी के लोग जो धनवान होंगे और बड़े बड़े लोग होंगे और प्रधान लोग होंगे, सामर्थी लोग होंगे, ये लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे, अपने आप को बचाने के लिए चट्टानों की दरारों में जाकर छिपेंगे मसीह विरोधी के दिन में, जब परमेश्वर छठवीं मोहर खोलेगा, ठीक है भैया। और आगे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है। आज लोग जीना चाहते हैं, मगर उस समय मसीह विरोधी के दिन में लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी। जब परमेश्वर छठवीं मोहर खोलेगा तब पृथ्वी के लोग पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, हम जीना नहीं चाहते हैं। उन दिनों में लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी, क्योंकि सारी पृथ्वी के लोगों के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। इसलिए अगर समय रहते हुए यीशु के पास नहीं आए तो ऐसा ही हाल होगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो और यीशु के पास लौट आओ,
इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है भैया। क्योंकि तुम उस दिन को उस घड़ी के विषय में नहीं जानते, इसलिए तैयार रहो और जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ जरूर चले जाना। यह दुनिया पापों की नींद में नहीं सोना है, दुनिया की भीड़ में नहीं खोना है, ठीक है भैया। ऑलरेडी आपको बता ही दिया गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्या पता आपके शेयर से कितनी आत्माएं बच सकती हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।